एक्सेप्ट वही से वही है। हम एमएलए को बदल देंगे, कॉन्ट्रैक्टर वही रहेगा, वही नए एमएलए के पास आकर आपको पैसा, आप ही का पैसा, आप ही का रास्ता, आप ही का व्यवस्था को नहीं देंगे। मैंने देखा है कि बहुत एमएलए जीतते हैं, हारते हैं इलेक्शन में, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी गुंडा हो, कोई भी माफिया हो, जो ड्रग्स का बिजनेस करता हो, वो आज तक हमने जिनको पकड़ा भी है तो वो छोटे मोटे जो ड्रग्स लेता है या ड्रग्स बेचता है, छोटे छोटे लोगों को पकड़ा। जो असली बड़ा मच्छी है ना तालाब में, उसको कोई पकड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद ऊपर से आता है, पैसा, कट का पैसा सबके पास जाता है, पुलिस जानती है कौन बदमाश है, कौन चोर है, कौन क्रिमिनल है, लेकिन ऊपर से प्रेशर आता है कि इनको छोड़ दो, यही ड्रग्स मगलर, यही गुंडे लोग जो पिछले शासन में थे, आज नए शासन में एक वॉशिंग मशीन बनाया गया है कि आप गंदे मैले बदमाश गुंडे को इस नए वॉशिंग मशीन में डालिए, बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, वो धुल जाएगा और एक नया साफ सुथरा वही व्यक्ति निकल जाएगा, क्योंकि उसने पार्टी बदल दी। ये सब क्रिमिनल्स, मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पार्टी को वोट करो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं अच्छा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो खराब है, मैं बोल रहा हूं आप डिसाइड करो आपके दिल में क्या लगता है, ये महाराजा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा हूं, सच कि झूठ? ये लोग न्यूज़पेपर में बोलेंगे कि मैं बंगाली के विरुद्ध हूं, कोई कहेगा कि मैं एक धर्म के विरुद्ध हूं, इनको त्रिपुरा का इतिहास ही मालूम नहीं। जिन महाराजाओं ने रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस और अनेक बंगाली कम्युनिटी को आदर दिया, सम्मान दिया, जगह दिया, पन्हा दिया, आज उन्हीं के नाती को आप कम्युनल सांप्रदायिक बोलते हैं। इसी महाराजा के परिवार ने त्रिपुरा मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किया, इसी त्रिपुरा महाराजा के लोगों ने, महाराजा लोगों ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, इसी महाराजाओं ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया, और इसी महाराजाओं ने बुद्ध मंदिर का भी एक स्थापना किया। हमने कभी भी धर्म के लाइन में हमने कभी भी पॉलिटिक्स नहीं, आज भी मां त्रिपुरा सुंदरी का पूजा करता हूं, लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के नाम में वोट नहीं मांगता हूं, वो हमारी कुलदेवी है, हम उनका प्रणाम करते हैं, उनके नाम को बेचकर वोट नहीं मांगते, ये लोग करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कम्युनल है, सांप्रदायिक है, लेकिन आज तक मैंने आपका टीका या आपके गले में क्रॉस या आपके दाढ़ी को देखकर राजनीति नहीं किया, इन लोगों ने राजनीति किया है, मैंने आज तक। बहुत लोग बोलते हैं कि धर्म खतरे में, धर्म सच में खतरे में, क्योंकि धर्म भ्रष्ट होने के लिए गलत लोग, ये जो मंदिर मस्जिद का बात करते हैं, चर्च मंदिर का बात करते हैं, उनको बात करना चाहिए नौकरी का, लेकिन नहीं करेंगे, उनको बात करना चाहिए व्यवस्था का, नहीं करेंगे, पानी का प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे, यहां में अगर एक बार बारिश आ जाए तो एक एक हफ्ते तक बिजली नहीं आता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हां जब गरीबी है तो आप देव वर्मा जमतिया, हालाम टाइपिंग, हिंदुस्तानी बंगाली, बंगाली में नमो शूद्र दास, मणिपुरी विष्णुप्रिया मणिपुरी मैते मणिपुरी, मुसलमान बुद्धिस्ट क्रिश्चियन हिंदू, ये करके बात करते हैं।
आज हमको नौकरी चाहिए, आज हमको हॉस्पिटल चाहिए, आज हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, आज हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो जनता के बारे में बात करे। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ फेंकना। इलेक्शन के पहले क्या कहा गया, रेगा 340 रुपए, किसी को मिलता है 340 रुपए? कहा गया कि एक मिस कॉल मारो आपको 50,000 नौकरी मिलेगी, मिला किसी को? बेकार बाटा मिलेगा, चा बागान में आपको ज्यादा वृद्धि होगी? इलेक्शन के पहले बहुत बहुत बात बोलते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं। मैं देश का प्राइम मिनिस्टर तो हूं नहीं, मोदी जी बहुत बड़े इंसान हैं, महान इंसान हैं, लेकिन मैं उनका जितना बड़ा तो हूं नहीं। वो यहां आकर आपको बोलेंगे भाइयों बहनों 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, आप लोग सब मोदी मोदी करके ताली मारेंगे, वो चला जाएगा। उसके बाद 5 रुपए भी मिले तो आपका खुश नसीबी होगा। मानिक बाबू कम्युनिस्ट जो यहां आते हैं वो बोलते हैं महाराजा ने क्या किया, मैं गरीब इंसान हूं, महाराजा ने तो कुछ नहीं किया, कम्युनिस्ट ने सब किया है। महाराजा को मर के 75 साल हो चुका है, आप 25 साल खुद शासन में थे। महाराजा का पूरा साल का बजट आपके एक दिन के बजट से ज्यादा कम है, लेकिन आज भी आप महाराजा को ब्लेम करके अपना राजनीति करते हो। जो मर चुका है उसके नाम, उनका नाम बदनाम करके आपने अपना कारोबार बनाया। सीपीएम, मैं दिल्ली जाता हूं, बॉम्बे जाता हूं, सब लोग बोलते हैं कि अरे आपका मुख्यमंत्री जो मानिक सरकार था उसका घर नहीं है, बहुत शरीफ इंसान है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास घर नहीं है। मैंने उन लोगों को कहा मानिक सरकार ने खुद के लिए घर नहीं बनाया, वो उनका बात है, किसी को त्रिपुरा में घर बनाने के लिए एक मौका भी नहीं दिया, किसी को जमीन भी नहीं दिया, खुद तो पूरे दुनिया में मार्केटिंग किया कि मैं गरीब हूं, सबको गरीब रखा, वो सबसे बड़ा पाप। गरीब पैदा होना कोई जुल्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम आपको जान बूझ के गरीब रखे, आपको वंचित रखे, क्योंकि अगर आप गरीब है, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आप एमएलए और मंत्री के पीछे भागते रहेंगे और वो भगवान बनकर आपको कंट्रोल करते रहेगा, तो ऐसे सिस्टम को तो उखाड़ के फेंकना चाहिए। ये मेरा बात, मैं नहीं जानता हूं कि आप हमें मौका देंगे कि नहीं देंगे, बहुत लोग कोशिश कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं करेंगे। जब मैंने बाबूराम सतनामी को टिकट दिया था सुरमा के लिए, सबने कहा कि ये तो हिंदुस्तानी है भैया, एक तरफ नाक चेपटा लोग तिपरासा, एक तरफ हिंदुस्तानी, लास्ट पोजीशन में आएगा, पहला पोजीशन में बीजेपी, सेकंड में सीपीएम तृणमूल, उसके बाद तिपरा मोथा, शायद नोटा से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इतिहास गवाह है कि एक हिंदुस्तानी प्रार्थी पहले बार अंदर, हमने बीजेपी को जो टक्कर दिया, सीपीएम को पीछे छोड़ दिया, तृणमूल को छोड़ दिया, सेकेंड पोजिशन। आज मार्केटिंग करते हैं कि तिपरा मोथा कहाँ है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ तिपरा मोथा का चेयरमैन यहाँ में खड़ा होकर आपको बोल रहा है 2023 में आप लोग रेडी हो जाओ, हम लोग जीत के दिखाएंगे। सिस्टम को बदलना है कि नहीं, सिस्टम को बदलना है ना, तो ऐसा लोगों को देखो जो झूठ बोलकर आपको लालच देकर अपना राजनीति नहीं करते, जो लोग थोड़ा सा अपने भविष्य के बारे सोचते, कि वैसे है तो चौमाना से सुन लो, हाथी का बारे बात कर रहा हूं, डिसिप्लिन रखो,
ना ना ठीक है ठीक है। मैडम ए हीरो मैडम हीरो बन गए, यहाँ में एक ही हीरो काफी है। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, 12 तारीख को अस्तबल में रैली है, सब लोग बोलते हैं कि पिपरा मोथा का छोटा पार्टी है, ये तो पहाड़ का पार्टी है, जंगली पार्टी है, बुकुम्बारा लोग तो अनपढ़ गवार। 12 तारीख को मैं आपको बोल रहा हूं, हम लोग इतिहास बनाएंगे, वी विल मेक हिस्ट्री इस बार। और उससे बड़ा इतिहास तब बनेगा जब 10,323 टीचर्स के बीच से एक हिंदुस्तानी, एक चा बागान का वर्कर, हमारे तिपरासा मुसलमान हिंदू बंगाली सबके संग कंधे पे कंधा मिलाकर यहां से विजय मिशन। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, यू डोंट हैव इतना मनी, रामपुर में इतना तो नहीं है, उनके पास तो बहुत पैसा है, उनके पास तो छापने वाला प्रिंटिंग मशीन है। हम आपको सिर्फ एक चीज दे सकते हैं, अगर तिपरा मोथा पावर में आया, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ में हमारे लीडर्स हैं, कुमार हालाम युवत है, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, गुप्त नारायण जी हैं, TWF है, YTF है, आप लोग पट्टा के लिए SDM ऑफिस में अप्लाई कर लो, पट्टा जमीन का पट्टा लैंड अलॉटमेंट के लिए आप SDM ऑफिस में एक फॉर्म आता है उसमें आप लोग भरने लगो, मैं आपको 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन अगर तिपरा मोथा पावर में आया ना 2023 में, सबको पट्टा के संग अपना जमीन मिल बहुत हो चुका। अगर आपके पास जमीन है तो आपका आइडेंटिटी, आपका अस्तित्व, आपका चिन्ह रहेगा, अगर आपके पास पट्टा ही नहीं है तो आप जब मरेंगे ना अपने बच्चे को क्या छोड़ के जाएंगे, हा है तो तिपरासा है, जमीन है भूमि है तो हिंदुस्तानी है, अगर हिंदुस्तानी के पास जमीन ही नहीं रहेगा तो आप कब तक किसी और का गुलामी करते रहेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं, पीछे में भी है यहां में भी है, आप ये बंगाली थक तो पा रहे हैं, आप ये हिंदुस्तानी थक तो पा रहे हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, मैतेई हो, तिपरासा हो, जय हो, पूरा जिंदगी गुलामी से करने से अच्छा है कि एक बार इस बार अपना सोसाइटी के लिए, अपना दोहा के लिए, अपना थानसा के लिए, एकता के लिए एक बार फाइट करो करो। और अगर हार गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से 20-25 साल बाद आप अपने पोते को बोलना, बच्चे को बोलना, 2023 में हम लोग कमजोर लोग, गरीब लोग, भूखे लोग, जिसके पास स्कूल नहीं था, रास्ता नहीं था, बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, हमने 2023 में फाइट किया, हम जीते या हारे लेकिन वो फाइट हमने किया, और वो जेनरेशन हम थे और हमने पूरे देश को दिखाया कि हम गरीब हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, बुकुंगारा हो सकते हैं, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने भविष्य। मैं भी आराम से दिल्ली, लंदन, अमेरिका, कलकत्ता, बॉम्बे में रह सकता हूं, मैं यहां में चा बागान में क्या कर रहा हूं। बहुत लोगों को लगता है कि महाराजा को मुख्यमंत्री बनना है, बहुत लोगों को लगता है कि महाराजा को MLA बनना है, मैं बोलू ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है ना मैं MLA के लिए कॉन्टेस्ट कर, मुझे आप लोगों को कुछ देना है, ये मेरा कर्तव्य था, इसके लिए मैंने ऐशो आराम का जिंदगी छोड़कर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके लिए कुछ नहीं। और ये जो लॉलीपॉप बीजेपी दिखाता है, CPM दिखाता है, कांग्रेस भी कभी कभी दिखाता है, ये जो लॉलीपॉप है ना, ये लॉलीपॉप हमें बेच खरीदने के लिए, लेकिन मैं अपने आत्मा के साथ, अपना दिल के साथ, अपने लोगों के साथ सौदा नहीं कर सकता हूं। और मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान समाज को बोल रहा हूं, हमारे SC कम्युनिटीज, बंगालीज को बोल रहा हूं, मुसलमान को बोल रहा हूं, अपने तिपरासा को बोल रहा हूं, 12 तारीख को आप लोग आइए,
और ठानसा रखिए, एकता रखिए। एकता रहेगा ना तो 75 साल का जवाब हम एक दिन में दे सकते हैं, लेकिन अगर एकता नहीं रहा, ठानसा नहीं रहा, तो जो 75 साल से हो रहा था डिवाइड एंड रूल, बांटो, जैसे अंग्रेज ने हमें बांटा और हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया, आज भी हम धर्म के नाम में, जाति के नाम में, भाषा के नाम में बांट रहे, हमें बांटा जा रहा है। इस बार एक हो जाओ, एक होकर जवाब दो, हम परिवर्तन लाएंगे। मैं फिर से यहां के मुखिया को, हमारे हिंदुस्तान समाज को शुक्रिया बोलना चाहता हूं। मेरी हिंदी आपकी जैसी अच्छी नहीं है, आप तो बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, लेकिन मैंने भी जिंदगी में थोड़ा सा हिंदी सीखा है। कभी कभी बिहार में जाकर, कभी झारखंड में जाकर, कभी कटक में, ओडिशा में, यहाँ में बहुत ओडिशा के लोग भी हैं क्या? हाँ, आप लोग हैं ना, हमारे बहुत अच्छे संबंध है ओडिशा में, बुलांगीर से, कटक से, दसपल्ला से, हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। महाराजा के सब, त्रिपुरा के महाराजा के दोस्त सब थे, मयूरभंज से, हमारे दोस्त सब जगह से। मेरी बहन की शादी छत्तीसगढ़ में हुई है, वो भी गौंड है। हम लोगों ने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, त्रिपुरा के जो तिपरासा महाराजा लोग है ना, कभी भी हमने किसी का कुछ नहीं छीना, हमेशा दिया। हमारे जो तिपरासा लोग है ना, हमने हमेशा कुछ दिया। और आज जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहते, हम बंगाली का अधिकार नहीं छीनना चाहते, किसी का अधिकार छीनना नहीं, अपना अधिकार को बढ़ाना चाहते। मैं चाहता हूं कि यहां में आरक्षण हो हमारे हिंदुस्तानी के लिए, मैं चाहता हूं कि यहां में आरक्षण एससी के लिए भी हो, मैं चाहता हूं कि यहां में रिजर्वेशन हमारे मणिपुरीज के लिए भी हो। हम त्रिपुरा का आरक्षण जरूर चाहते हैं और हम कोई पाप नहीं कर रहे। पूरा जिंदगी हमने अपना जमीन दे दिया, हमने अपना घर दे दिया, अपने गांव से खाना दे दिया, हमने अपना अधिकार दे दिया। आज अगर हमें कोई पूछ के बोलता है कैनो तुम्हें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड करे, तो हम बोलते हैं एक ही बात, ये दिल मांगे मौत। मांगना तो पड़ता है ना, पूरा 75 साल तक देते रहा है, आज कुछ मांगने से आप हमको कैसे इनकार कर सकते। आई थैंक वंस अगेन एवरीवन फॉर हैविंग इनवाइटेड मी, बेलाई बेलाई नो हम भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, हमारे यहाँ में मुखिया हमारे हिंदुस्तान समाज के ऊपर रहे, और आप हमारे त्रिपुरासाओं के साथ, हमारे मुसलमान के साथ, मैथिली के साथ, एससी कम्युनिटी बंगालीज के साथ एक कॉन्टैक्ट रखिए। हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन तभी होगा जब सिस्टम को हम बदलेंगे। बेलाइनो हम बाय खुलुम खा, धन्यवाद, थैंक यू।